कितने टेंडर हैं यार, सुभान अल्लाह। मर्दान की जो खुराक की तलाश है वो हम स्टार्ट करेंगे कासिम चपली कबाब से। रशा कई इंटरचेंज से जैसे आप उतरते हैं तो साथ ही आपको गूगल मैप पे ये मिल जाता है। पीछे फुल टाइम रश लगा हुआ है और बहुत हैवी निज़ाम है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं चपली कबाब से। अच्छा, ज़्यादातर तो होता है कि कबाब की जो बैटर होता है वो साथ साथ रेडी किया जा रहा होता है, लेकिन इस बार माशाल्लाह रश इतना है कि बैटर इनका पीछे से बन के आ रहा है और वो सिर्फ अन्य वाह उनको फ्राई करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे बात करने की ही जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, बस ऑर्डर दें और आगे निकलें। माशाल्लाह बहुत रश है और अपना नंबर ऐसे मैंने लगवा दिया है। अभी प्रोसेस थोड़ा सा और देखते हैं क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है और किचन के खाते हैं। कितने टेंडर हैं यार, सुभान अल्लाह। मेरा ये मानना था कि किसी दुकान पे जो रश होता है ना वो बिला वजह नहीं होता। यहाँ पे जिस कदर रश है, इस कबाब का जो टेस्ट है ना, इसने वाकई डिज़र्व करता है कि वाकई लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मेरे साथ जो लोग बैठे हैं ये सवाबी से आए हैं खाने। अब तो मोटरवे बनने के बाद काफ़ी लोग वहाँ से सीधा चले जाते हैं, लेकिन पुराने मिंगोरा जाने वाले लोग अभी भी यहाँ पर रुक के स्पेशल ये कबाब खाते हैं और फिर जाते हैं। अब ये देखें, साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट है माशाल्लाह, इतने टेंडर हैं। हालांकि काफ़ी मोटे कबाब हैं, लेकिन अंदर तक कीमा गला हुआ है इसका। बाकी दुकान का जो रश है वो आपको बता देता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा, मेरे शायद बताने की ज़रूरत नहीं रहती यहाँ पे। अच्छा, जब आप चपली कबाब खाते हैं ना तो आपने कावा लाजमी पीना है, क्योंकि कावा एक तो उनकी दुकान के आपको साथ ही मिल जाता है, वहीं पे इनका लाजमी स्टॉल लगा हुआ है। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली ये चर्बी में बनता है जो कि थोड़ी हैवी होती है, तो ये जो कावा है उसको दैट सॉल्व कर देता है। ऊपर से जो कावा ये लोग बनाते हैं सागो किसे बनता है।
जी तो बड़ा ही सिंपल सा फलूदा है, मेरा ख्याल था कि इसमें रबड़ी होगी, इसमें दूध है, लच्छे हैं जिसे हम सवैयाँ कहते हैं और साथ में कुल्फ़ी है। सिर्फ तीन चीज़ों का ये बनाया गया है। अब खा के देखते हैं कि रबड़ी के बगैर जो फलूदा होता है वो कैसा होता है। इसका जो दूध है उसमें इन्होंने इलायची काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है, एकदम से उसकी खुशबू नाक में बजिए जा कर। वाह वाह वाह, कभी कभी होता ऐसे है कि आपने डिफरेंट चीज़ भी आपको अच्छी लगती है वो उतनी अच्छी होती नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि पहले दफ़ा खाई होती है तो आपको बहुत ही अच्छी लगती है। ये उस तरह के फलूदा नहीं है जैसे हम खाते हैं शहरों में, लेकिन डिफरेंट चीज़ है इसमें, मतलब इलायची वाला दूध डिफरेंट साउंड करता है फलूदे में। कुल्फी लेकिन इनकी थोड़ी स्पेशल है जिसमें हमें मलाई मलाई सी फील हो रही है। फेमस इटरीज जितनी भी हैं मरदान में वो बैंक रोड पे हैं और आगे पाकिस्तानी चौक है, सरफराजगंज है, ये सिटी एरियाज हैं जो शहर के अंदर है, मतलब रिंग रोड या मजाफाती इलाका नहीं है, तो बहुत ही बिजी है और बहुत ही खाने का हैवी इंतजाम है। और यहीं पे आपको मशहूर मिलते हैं अलहाज जलील चपली कबाब, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ अभी, लेकिन मैं क्योंकि ताज़े ताज़े कबाब खा के आया हूँ इसलिए इसकी सिर्फ फुटेज बनाते हैं और दुकान पर रश भी बहुत है। जलील चपली कबाब हाउस मरदान के मशहूर तरीन चपली कबाबों में से एक है। वैसे तो सबसे बेहतर ये बात है कि चपली कबाब जैसे ही बन के आएँ तो आप इस फरीज़े को वहीं पे अदा कर दें, लेकिन अगर पैक करवाना मकसूद हो तो ज़्यादा देर तक इसको पैक ना रखें वरना टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। खुराक महल होटल की मुझे मरदान से ही कुछ दोस्तों ने सजेशन दी थी। इस होटल का मेन्यू काफ़ी बड़ा है और अमूमन रात के मेन्यू में मिलने वाली चीज़ें दिन में भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं खाना खा चुका हूँ वरना कबाब मसाला ट्राई करने का मूड था। पूरी चाप दी गई है हमें और गोश्त भी जो है वो ज़रा सख्त ही होता है इसका। अभी क्योंकि मरदान का जब हम एपिसोड ख़त्म करेंगे तो मैं यहाँ से सीधा लाहौर जाना है, तो मोटरवे खाना नहीं खाएंगे,
वापसी के लिए मेरा ये मेन्यू है, जरा एक दफा और ना देखो। सुभान अल्लाह लेवल। ग्रिपन ट्रिप में खुराक की तलाश में आगे मैं जा रहा हूँ द सिटी ऑफ मीट लवर्स पिशावर, जहाँ निज़ाम कायम किया जाएगा जमरूद बाज़ार की सैर का और साथ खाए जाएंगे जलील कबाब। और ये सफ़र हमारा किसा खवानी बाज़ार की रौनकों में से होता हुआ जाएगा निसार चर्सी। And that's all. और अगर आप पेशावर से दोरखम बॉर्डर का दिलचस्प सफ़र देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर सैर करना चाहते हैं एबटाबाद शहर की तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।